ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले जरा हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या पढ़ना है। देखो, यूं तो आपने इस चैप्टर को 12th क्लास में पढ़ा है, और आपको बता दें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो बातें होती हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो इसमें एक फंक्शन होता है जहां पे ये ए एक्स प्लस बी वाई, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या करना होता है इसको? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग हैंड। मतलब ये जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ही वो इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे साइन होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको पाने के लिए हम इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग हैंड्स। तो एक क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपके पास अभी तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपके पास जो क्वेश्चन उन क्वेश्चन में आपको ये जो ये है ये पूरा खुद भी बनाना है और ग्राफ भी खुद बनाना है। चलिए जरा देखते हैं इसमें कि और क्या है। गोल्डन रूल के ऊपर बात करें हम लोग तो इसमें दो चीजें पढ़नी है आपको, एक तो ट्रू और एक फॉल्स पढ़ना है। ट्रू बोले तो जो ट्रू रहेगा, अगर ट्रू का केस रहेगा तो उधर शेड जो रहेगा वो टूवर्ड्स द पॉइंट रहता है। 12th क्लास में आपने पढ़ा है कि शेड टूवर्ड्स द पॉइंट करेंगे अगर फंक्शन हो, क्या हो फंक्शन? अगर ट्रू हो। और अगर फॉल्स हो तो उस केस में शेड जो है वो अपोजिट टू द पॉइंट है। सवाल उठता है कि सर ये पॉइंट का मतलब क्या? अभी समझाऊंगा आप में से जो जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़ा है। 0-0 या 1-0 नॉर्मली हम पॉइंट पुट करते हैं, और अगर ये ट्रू हो तो शेड टूवर्ड्स द पॉइंट होता है, और अगर फॉल्स है तो शेड जो होगा अपोजिट टू द पॉइंट। मतलब सपोज करो कि ट्रू की सिचुएशन है और पॉइंट हमने 0-0 पुट किया, तो मान लो ग्राफ ऐसा बना, हमारे पास लाइन ऐसी बनी, 0-0 पॉइंट यहां होता है तो शेड इधर की तरफ करेंगे। ऐसे मान लो अगर हमारे पास ये सिचुएशन, अगर हम लोग देखें ये हमारी लाइन है और ट्रू की सिचुएशन है, तो ओरिजिन हमारा यहां है, मतलब पॉइंट 0-0 यहां है, तो शेड इधर की तरफ करोगे। इसी तरीके से ये हमारी लाइन है और ओरिजिन अभी मतलब 0-0 यहां है, ट्रू की सिचुएशन है, तो शेड इधर की तरफ करेंगे। ये ट्रू है तो शेड इधर की तरफ करेंगे, अभी ट्रू की सिचुएशन है सारी। इसी तरीके से अगर पॉइंट हमारा 1-0 है और हमें ट्रू की सिचुएशन बतानी है, तो 1-0 बोले तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। मान लो सपोज करो कि ये ग्राफ बन गया, और नॉर्मली ऐसे केस में तब होता है, ये पॉइंट तब पुट करते हैं जब हमारी लाइन ओरिजिन से होके जा रही हो। तो मान लो ये लाइन ओरिजिन से होके जा रही है, यहां से पॉइंट हमारा 1-0 कहां है? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, इधर की तरफ शेड करेंगे। मान लो ये लाइन है और पॉइंट 1-0 हमारा ये है, तो शेड इधर की तरफ करेंगे, टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो शेडिंग रूल है ये। इसी तरीके से अगर फॉल्स की सिचुएशन है, किसकी? फॉल्स की। तो फॉल्स में मान लो पॉइंट 0-0 है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये लाइन रही, पॉइंट 0-0 यहां, तो अपोजिट टू द पॉइंट क्या ये फॉल्स है। इसी तरीके से हमारा 0-0 पॉइंट ये है, ये हमारी लाइन है, अपोजिट टू द पॉइंट करेंगे क्योंकि फॉल्स की सिचुएशन है। ये हमारी लाइन है, पॉइंट यहां है, अपोजिट टू द पॉइंट करेंगे। ये पॉइंट है, ये लाइन है, अपोजिट टू द पॉइंट करेंगे क्योंकि फॉल्स है। अगर 0-0 पॉइंट आपने पुट किया है, तो अगर फॉल्स की सिचुएशन है और पॉइंट आपने 1-0 पुट किया है, क्या पुट किया आपने? एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। अगर ऐसा है तो शेड अपोजिट साइड करोगे ऐसे, क्योंकि 1-0 यहां है, 1-0 यहां है, शेड इधर की तरफ करोगे। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी? नहीं। तो इन इक्वेशन मतलब क्या? इन इक्वेशन बोले तो नॉर्मली ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का जो साइन होता है, ये इन इक्वेशन का साइन होता है। तो अगर इन इक्वेशन ऐसा हो जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो, तो लाइन सॉलिड बनेगी। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, तो लाइन जो बनाओगे वो डॉटेड बनाओगे। यहां से सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लाइन सॉलिड बनाएंगे या डॉटेड बनाएंगे। क्लियर है जी? ओके, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पता लगाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट क्या है। आपको ग्राफ बनाना है, ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है। ट्रू मतलब समझ में आ गया, ट्रू किधर? टूवर्ड्स द पॉइंट। फॉल्स मतलब अपोजिट टू द पॉइंट। शेड करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है, टेबल बना के मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताना है। चलिए जरा सामने देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, ये हमने एग्जांपल लिया है अपना ही स्टिल लर्निंग का। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है जेड इक्वल्स टू 3x+9y, ये मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमारे पास ये दे रखा है 3x+3y <3x+3y> 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 <3x+3y>
एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तीन इन इक्वेशन है आपके पास और ये आपको बोला है कि मैक्सिमाइज करने को। देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन है इससे आप डब्बे बना के ग्राफ बनाओगे। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस 3y = 60 है, x की वैल्यू 0 पुट की इसमें, तो y की वैल्यू निकालो और y 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, पहला डब्बा बना लो, इसी से दूसरा डब्बा बना लिया हमने, तीसरा डब्बा बना लिया और ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ बना लोगे, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो लाइन खींच के आप बना लो, ठीक है। ये शेडिंग में बाद में सिखाऊंगा, ये जो बीच का शेड है कि वो कैसे किया, मेन ये है कि ग्राफ तक बनाने तक। चलिए इधर सामने देखिए, ये ग्राफ जो बनाया हमने इनमें ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, जो पहली इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, ये कौन सी लाइन है, x प्लस 3y, ये वाली, ये पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन के लिए इक्वेशन ये लाइन नहीं होती है, लाइन हमेशा इक्वल टू की होती है, तो इक्वल टू का साइन आएगा। ये जो इन इक्वेशन है इसमें ये जो इन इक्वेशन है जीरो से तो होकर नहीं जा रही ना, नहीं, तो इसमें आप जीरो जीरो पुट कर दो। जब जीरो जीरो पुट करोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड, तो देखोगे जीरो जो है वो 60 से छोटा बता रहा है। बात सच है या झूठ है, सच है, ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये जो आपने ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका जो शेड होगा वो इतना होगा, ये पूरा, समझ रहे हो बात, ये पूरा बॉक्स आएगा ट्रायंगल टाइप। इसी तरीके से जो अगला है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसमें भी 0 0 पुट कर दोगे, ये हमारी ये ग्रीन वाली लाइन है क्योंकि जीरो से नहीं होके जा रही है, पुट कर दोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, गलत है ये। तो ये जो ग्रीन वाली है इसका शेड इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और इसका शेड ये ऊपर, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये नीचे नहीं, ये पूरा का पूरा, समझ में आ रहा जी, हेलो। और ऐसे ही ये जो येलो वाली लाइन है ये ओरिजिन से होके जा रही है और जो भी लाइन ओरिजिन से होके जाए उसमें हमेशा 10 पुट करना है, क्या पुट करना है जी, 10 ऑलवेज पुट करोगे तो ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स बोले तो 10 यहां आएगा, फॉल्स है तो इसका शेड ऊपर की तरफ जाएगा। आप देखोगे इन तीनों में जो कॉमन एरिया है वो ये है, सबसे ज्यादा शेडेड पार्ट ये आएगा, तो ये जो कॉर्नर है ये आपका सॉल्यूशन सेट है, क्या है जी, ये सॉल्यूशन सेट है। अब मुझे ए पॉइंट पता है और डी पॉइंट पता है बट बी और सी पॉइंट नहीं पता, तो सी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इस येलो वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x plus 3y = 60 को सॉल्व करेंगे और इस बी पॉइंट के लिए येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट डी के लिए इन दोनों को सॉल्व किया, हेलो, सॉल्व करने के बाद इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया बी। इसी तरीके से इस सी पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 15 एंड 15, बोले तो ये सारे पॉइंट आ गए आपके पास ए बी सी और डी। इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और लिखेंगे शो द शेडेड रीजन ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन, ये सभी पॉइंट लिख लेंगे ए बी सी और डी। सर ए पॉइंट क्या है, अरे भाई ए पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो ए पॉइंट शायद मेरे ख्याल से 10, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10 है, और ऐसी ये बी पॉइंट जो है वो डी पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 20 है, बाकी सारे पॉइंट लिख लिए, देख रहे हो, लिख लिए जी, ये हमने निकाले हैं, ये दोनों पॉइंट निकाले हैं, ठीक है जी, हेलो, ओके। जेड जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था वो दे रखा है, इसमें हम एक्स और वाई, ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 90, 60, 180 और 180, तो 60 पे मिनिमम है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, मतलब बी पॉइंट पे जो है वो फंक्शन, ये जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और सी और डी दोनों पे मैक्सिमम होगी। तो हमने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 180 जो दो पॉइंट पे होता है, एक सी पे और एक डी पे, सी पे 15 15 और डी पे 0 20, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 60 है और किस पे है, 5 5 पे, बस यही आंसर है हमारा। अभी तो इस वाले क्वेश्चन में बड़े मजे की बात यह है कि आपको हमने इक्वेशन दे रखी थी लेकिन आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें इक्वेशन नहीं गिवन होगी, आपको खुद निकालना होगा। सेकंड नंबर स्टिल लर्निंग, ये घर से कंप्लीट करना है आपको, कर लोगे, ये आप कंप्लीट करके लेके आना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा और शेड इस तरीके से बनेगा, ठीक है, चलो आप कंप्लीट करके लेके आओगे तब बात करूंगा।
आपने अगर ये टेबल बनाई होगी तो ऐसा मेरा मानना है कि ये आना चाहिए आपके पास, चेक कर लीजिए। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमारे सामने कि ए की वैल्यू यहाँ पे एक बार 1 है और यहाँ पे -2 है और -6 है। देखो जरा, 1 भी है, -2 भी और -6 भी है। आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि ये 1 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये भी है, ये भी, ये भी है, ये बाकी नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये थोड़ा सा सोचना बड़ा अटपटा है जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अनबाउंडेड मतलब देखो ना, ये कहीं तक भी जा रहा है, देख रहे हो? ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या? एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 मे और मे नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या करोगे, जेड जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? -x+2y। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, -x+2y ग्रेटर देन और मैक्सिमाइज करना है। यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, -x+2y और जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई, जेड की 1, ये 1 की वैल्यू यहां रख देंगे। दोबारा सुन लो, ये जो 1 है ये हमने यहां पे रख दिया, ये जो अभी निकाला है हमने, जो हमने अभी निकाला है वो यहाँ पे इक्वल टू में रख देंगे। और ये जो मैक्सिमाइज करना था आपको, क्या करना था, -x+2y, उसको यहाँ रख दिया, और मैक्सिमाइज करना था इसलिए ग्रेटर देन का साइन, मिनिमाइज करना होता तो लेस देन का साइन। बात समझ में आया जी? अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, दोबारा बता दूं मैं, मैंने ये बोला है यहाँ पे मैक्सिमाइज है इसलिए ये वाला साइन लगाओगे। ये जेड की जो वैल्यू है, जेड की जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास, 1, वो यहाँ पे रखना है, और ये जो यहाँ पे जेड है वो यहाँ पे, मतलब बोले तो जो मैक्सिमाइज करना उसको रखो, मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन और जेड की वैल्यू यहाँ पे। आप इसका डब्बा बना लो, डब्बा बनाने के बाद ग्राफ खींच लो, ये जो ग्राफ खींचोगे वो डॉटेड लाइन से जा रही है, देख रहे हो? ऐसे ही बनेगा, और ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है। आप कॉर्नर पॉइंट निकाल रहे हो तो ये इसी तरीके से आएगा। चलो जरा आप भी बता दो इसका मतलब क्या है, ये सब समझ में आ गया आपको? देखो, द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद इन द फिजिबल रीजन, मतलब जेड इक्वल टू 1 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो लाइन है ना, ये इनके शेडेड रीजन के बीच में जा रहा है, जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये कह रहा है यहाँ पे कि द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद इन द फिजिबल रीजन, ठीक है जी? Therefore, z equals to 1 is not the maximum value. z equals to 1 अगर कॉमन होगा तो मैक्सिमम, मतलब वो ट्रू नहीं होगा, तो इसका मतलब z has no maximum value. तो क्या होगा जी, अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा तो बस ये आंसर है हमारा, ठीक है? अच्छा, ऐसी सिचुएशन में मैंने यहाँ पे बताने की भी कोशिश की है, यहाँ पे एक वो लेके कॉन्सेप्ट लेके बता देता हूँ। ये समझ लो आप, जैसे मान लो, सपोज करो अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, लिखा ना यहाँ पे, हाँ ये मत समझो, चलो ये हम बात नहीं करते अभी, डायरेक्टली आप अभी समझो सीधा सीधा, ये यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन होगा तो इसका मतलब है जो आपने बोला वो नहीं होगा, और कॉमन नहीं होगा तो आंसर होगा हमारा। समझ में आया? मतलब इसको ऐसे समझो, उल्टा होता है। अगर ये जो लाइन आपने बनाई है, ये वाली लाइन अगर इसके इसमें लाई करता है, तो इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू 1 इज नॉट मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी बोला वो नहीं होगा। और अगर इसके बीच में लाई नहीं करता तो इसका मतलब है जो आपका ये है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी? ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, बस ये आंसर है। ये जो हमने लास्ट में लिखा है वो हमारा मेन आंसर है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी? ओके, चलो जरा अब मैं बात करूं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, कि क्वेश्चन में टेप जरूरी नहीं है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो बनी हुई मिले, ऐसा हो सकता है कि आपको बनानी पड़ जाए। तो बनाने के लिए आपके पास 4-5 तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस और ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हम आगे एक वाले हैं,
अगर आपने अपना सिलेबस नहीं देखा तो ये जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। आप मतलब समझ लो कि एक चैप्टर ही पढ़ना है, ये एक चैप्टर में रीड करेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, ये एक नया चैप्टर एड ऑन किया गया है। तो अभी आपके पास चार ही ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट, इन्वेस्टमेंट एंड मिसलेनियस। इन दोनों के लिए हम टेबल बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में कभी कभी टेबल बन जाती है बट मिसलेनियस में टेबल नहीं बनती, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आप टेबल बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका आपने सीख लिया है। ओके, तो अगली क्लास में काम करेंगे हम लोग, अगली क्लास में मैन्युफैक्चरिंग, डाइट, इन्वेस्टमेंट और बाकी जो है उनके, आपके पास बुक होनी चाहिए जेके ठकुराल, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास में जो हमने चर्चा की उन सभी चीजों को आपने समझा होगा। होम फन में आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम हमने आपको एग्जाम्पल 1-4 है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, बस ये काम करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय जय भारत।